11 साल बाद सलमान के साथ फिल्म बनाएंगे संजय लीला भंसाली। बॉलीवुड के दबंग खान और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली 11 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर साथ आने वाले हैं। संजय लीला भंसाली की टीम से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि संजय और सलमान के साथ आने के बाद बनने वाली फिल्म का नाम इशाला हो सकता है। उन्होंने पिछले सप्ताह फिल्म का टाइटल भी रजिस्टर करा लिया है। भंसाली के काम करने के तरीके पर नजर डालें तो फिल्म का फाइनल ड्राफ्ट और स्क्रिप्ट कंप्लीट होने में 6 से 9 महीने का समय लग सकता है। वहीं फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है जब सलमान भारत सहित अपने सारे कमिटमेंट पूरे कर लेंगे। आपको बता दें कि सलमान ने भंसाली की पहली फिल्म खामोशी में काम किया था। इसके बाद दोनों हम दिल दे चुके सनम में साथ आए थे। हम दिल दे चुके सनम के बाद 2007 में सलमान और भंसाली ने आखिरी बार फिल्म सावरिया में साथ काम किया था। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई थीं। खुद सलमान ने एक बातचीत में मजाक में ही मन की बात कह दी थी कि उन्होंने भंसाली को उनके करियर की 2 प्रमुख फिल्में दी, लेकिन इसके बावजूद जब देवदास की बारी आई थी तो उन्होंने शाहरुख को ले लिया था। शायद यह टीस उनके मन में थी। अब ऐसे में 11 साल के बाद एक बार फिर से इन दोनों की जोड़ी की वापसी को देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सलमान अपनी आने वाली फिल्म भारत की शूटिंग में व्यस्त हैं।